बिंदास पियो प्रोग्राम अहमदार का है, बिंदास पियो यहाँ से वहाँ से पूरा स्टाफ कोई टेंशन नहीं। से भिवंडी में मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजन होता है और यहाँ पर भिवंडी में जो भाईचारा एकता यहाँ पर भिवंडी शहर में जो दिखता है, आज ये जो मंच शिवसेना की तरफ से लगा है, क्या कहेंगे मुहर्रम के बारे में और किस तरह से आज का जो कार्यक्रम होता है? ये बहुत अच्छा होता है कि हमारे बीच में आमदार साहब, जनाब रुपेश माथरे साहब और अरुण राउत साहब और बहुत सारे लोग हमारे इस मुहर्रम के ही प्रोग्राम में नहीं बल्कि जितने भी हमारे मुस्लिम प्रोग्राम होते हैं ये लोग हमारे बीच में आके हमारा सहयोग करते हैं, हमारी मदद करते हैं और किसी किस्म का यानी फितना फसाद होने से रोकते हैं ये लोग। ये लोगों का मैं भिवंडी शहर से भिवंडी शहर के लोगों की तरफ से मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग हमारे बीच में आकर हमारे प्रोग्राम में भी शामिल रहते हैं। इस तरह से भिवंडी में मुहर्रम का प्रोग्राम आयोजन किया जाता है, हिंदू मुस्लिम सब एक मंच पे दिखते हैं, इसका जैसे गणपति है, मुहर्रम है, जो भाईचारा भिवंडी में दिखता है वो कहीं देखने नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप? अपना देश जो है अनेकता में एकता वाला देश है, हर जाति धर्म का त्यौहार आनंद से मनाने वाला देश है और इसी देश में हमारे भिवंडी शहर का एक अलग रूप है जो कि भिवंडी शहर का भाईचारा पूरे देश को मालूम है। भिवंडी शहर में आज गणपति उत्सव और साथ ही साथ में मुहर्रम का त्यौहार बड़े पैमाने में मनाया जा रहा है, जो इस्लामिक नया साल आज शुरू हो रहा है, तो इस इस्लामिक नए साल की मैं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और इस मुहर्रम के त्यौहार में आज हमारे सभी भाइयों ने मिलकर यहाँ शरबत बांटने का प्रोग्राम लगाया है, हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सभी जो आए हुए लोग हैं सभी का इस्तेमाल करता हूँ, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह भाईचारे से हर त्यौहार मनाया जाए, एक दूसरे के खुशी में शरीक होकर एक दूसरे का आनंद बढ़ाने का काम करें, यही आह्वान करूँगा। और जो कि एक अपने देश की मिसाल है कि हर आदमी के दिल में एक आवाज़ उठे, हर आदमी के दिल में एक आवाज़ उठे, मस्जिद में हो आरती और मंदिर में नमाज हो, इस तरह का हमारा जो भाईचारा है ये भाईचारा हमेशा बना रहे, हमारे देश की ये पहचान बनी रहे, यही मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आमदार साहब आगे।